केना न्यूज़ लाइव के साथ मैं हूं नायला शहजादी। हम खबर से आपको आगाह करते चले कि शुगर मिल्स ने खाम चीनी दरामद करने के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद से इनकार कर दिया है। अहम और बड़ी खबर से नाज़रीन को आगाह करते चले कि शुगर मिल्स ने खाम चीनी दरामद करने के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया है। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वज़ारत तजारत को खत लिखकर आगाह कर दिया। जी तफसील जानते हैं केना न्यूज़ लाइव की एंकर पर्सन कायनात मलिक से। जी कायनात जी बिल्कुल, हुकूमत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन को इजाजत दे दी कि वो आम चीनी दरामद कर लें, जिसके बाद शुगर मिल्स एसोसिएशन ने बकायदा वजारत तजारत को खत लिखा है और जिसमें उन्होंने वाजिया किया है कि इस वक्त जब के शुगर मिल्स बंद हो गई हैं और चीनी दरामद नहीं की जा सकती, ये नाकाबिल अमल है। और खत में ये वाजिया किया है कि मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है वो हुकूमत की वजह से हुई है। हुकूमत को तजवीज़ दी गई थी कि जून 2020 में आम चीनी को दरामद करने की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन हमारी तजवीज़ को इग्नोर किया गया। उनका कहना है कि इस वक्त अगर आम चीनी दरामद की जाए तो 98 रुपये फी किलो पड़ेगी। हुकूमत ने आम चीनी पर टैक्स रिलीफ दे दिया, जिसकी वजह से उन्होंने हुकूमती फैसले पर अमल दरामद पर इनकार कर दिया। कायनात हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया कायनात अपडेट करने का। जी खबर और अपडेट के लिए देखते रहे केना न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।